हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू ट्रेडिंग फैब डॉट इन। अगर कैलेंडर देखें इवेंट का, तो थर्सडे को जून 8 को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, तो उसके पहले मार्केट हमें एक हो सकता है साइडवेज पैटर्न में मूव करता हुआ देखने को मिले। आज हफ्ते का पहला दिन और निफ्टी देखे तो 60 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ है, लेकिन 5 मिनट का चार्ट अगर आप देखें तो पूरी तरह से साइडवेज पैटर्न है, बोरिंग फेस। गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और उसके बाद पूरा दिन निफ्टी एक बोरिंग फेज में ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। जो हमने लेवल्स मार्क किए थे मंडे के लिए, आज के लिए, उसके अकॉर्डिंग कोई ट्रेंड नहीं बनता, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई थी, जो सेकेंड टारगेट का लेवल था उसी के पास ही निफ्टी ओपन हुआ। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं वो देखते हैं। इसके लिए 60 मिनट के चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे। यह निफ्टी का 60 मिनट का चार्ट है। आप देख सकते हो ये जो जोन था, यानी 29th में और 30th में, दो दिन 18,600 के पास इसने पेनेट्रेट किया था और फिर से नीचे आके इसने सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक हुआ है, तो फिर से एक बार उसी जोन के पास ये आके रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो जैसे कि हमने फ्राइडे के वीडियो में एनालिसिस किया था, ऊपर 18,600 का रेजिस्टेंस है और नीचे 18,300 का सपोर्ट है। तो अभी कल के लिए अगर लेवल्स देखें तो ब्रेकआउट लेवल हमारा बनेगा आज का जो हाईएस्ट क्लोजिंग पॉइंट है 60 मिनट के चार्ट में, 18,628, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट बनेगा 18,846 और सेकंड टारगेट होगा 18,662। तो ये ऊपरी लेवल्स है और टूवर्ड साउथ की तरफ आता है, तो पहला तो सपोर्ट ये पिंक लाइन का है जो कि 20 EMA का है। आप देख सकते हो लास्ट 3 दिन इसी जोन के पास ये डिस्टर्ब कर रहा था, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो 18,573 ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट तभी बनेगा 18,554 और सेकंड टारगेट बनेगा 18,532। तो ये निफ्टी के लेवल्स है कल के लिए। अभी बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी निफ्टी जैसा ही सेम पैटर्न था, जैसे कि हमने देखा इवेंट है थर्सडे को, तो उसके पहले हो सकता है बैंक निफ्टी भी एक साइडवेज पैटर्न में मूव करे। अभी कल के लिए देखिए बैंक निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं। कल के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल होगा ये अराउंड लास्ट का ये जो रेड कैंडल बना है, आप देख सकते हैं सपोर्ट लेके यहाँ पर क्लोज हुआ है, तो हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक करें। तो लास्ट कैंडल का जो हाई है 44,151, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट बनेगा 44,197 का और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 44,250 का। और अगर टूअर्ड साउथ की तरफ आता है, तो पहला तो ये सपोर्ट है 20 EMA का, ये अगर ब्रेक होता है यानी हमारा ब्रेकडाउन लेवल बनेगा जस्ट इसके नीचे 44,087। फर्स्ट टारगेट का लेवल होगा ये ब्लू लाइन जो कि 44,047 के पास है, और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 43,979, ये हमारा सेकंड टारगेट का लेवल होगा। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब का एक छोटा सा इंट्रो। ट्रेडिंग फैब एक ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है, एंजल ब्रोकिंग है। अगर आप इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे अंडर ओपन करते हैं, तो हमारी जो प्रीमियम मेंबरशिप है इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शंस बैंक निफ्टी ऑप्शंस की, वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, सपोज अगर आपको जीरोधा का अकाउंट ओपन करना है, तो यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है, तो एक वेब पेज ओपन होगा, आपका नंबर यहाँ डालना है, कंटिन्यू करना है, तो आगे की अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, रेडी है, तो एक दिन में आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद हमें आपको इस नंबर पे कॉल करना है, ये इस नंबर पे, ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।